हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम दीपेश केसरवानी है और मैं आज बोर्ड मास रूल बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसमें ऑफ रहता है, जो लिखा रहता है उसको सॉल्व करते हैं। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ये कॉमन चीज़ है, इतना शायद सबको पता होगा, फिर भी अगर नहीं पता तो ये ज़रूरी ही बात है, इसको जान लीजिए आप। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि ब्रैकेट में चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, विंग कॉलम, सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमेशा बार, जो हम जिसको विंग कॉलम कहते हैं, बार सबसे पहले सॉल्व होता है। आइए देखते हैं। जैसे कि 8 × 4 × 4 बार, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लाई वाला, ना कि डिवाइड वाला, क्योंकि बार लगा हुआ इसमें। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, हो गया 16 और ये 1/2 आ जाएगा यहाँ से डिवाइड होके। आई होप समझ में आया होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही था कि बार अगर लगा हो तो सबसे पहले वो सॉल्व होगा। फिर ब्रैकेट में आते हैं, तो ब्रैकेट सर्कुलर ब्रैकेट सब पहले, उसके बाद सॉल्व होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्टार्ट होता है ऑफ से, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। आई होप समझ में आया होगा। चलो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं और पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन लेते हैं। 91 / 13 (7 + 99) = 25 / 600। चलिए सॉल्व करते हैं, नीचे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट से स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। स्क्वायर होने के बाद तो कितना बचेगा, 25 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 13 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 13 और 7 (91 + 99) आगे क्या हो जाएगा, ये सब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 + 99/25 = 100/25। तो यहाँ पे कट के 4, इसका आंसर 4 आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, फिर ऑफ हुआ, फिर उसका डिवाइड हुआ, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, आई होप इससे क्वेश्चन से आपका पूरा बोर्ड मास क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो इस पर और क्वेश्चन लगाइएगा, एक किसी भी बुक से एक क्वेश्चन उठा लेना, उसमें इस रूल को अप्लाई करना, ठीक है। चलिए और आगे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए।